सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX। आप लोग देखोगे IEX आज हमें हल्की सी गिरावट में दिखाई दी है। हालांकि 208 रुपये इसका जो बाउंड वीक हाई है उसके आसपास तो अपना जो ये शेयर है ये जरूर गया था। 206 रुपये का आज का इसका हाई रहा भाई, लगभग अपने बाउंड वीक हाई के आसपास गया, लेकिन उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक खबर आते हुए नज़र आई है भी, इसका इम्पैक्ट आगे चल कर कैसा देखने को मिलेगा। अगर आपके पास इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर है, IEX का शेयर है, तो आगे के लिए कैसी क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सी कैटेगरी में इसको रखना चाहिए और कौन सी कैटेगरी में रखना इसको बेस्ट है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी खबर की। तो यहाँ पर देखोगे CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कंपनी की तरफ से नोट जो ये अपडेट है ये आई है। अभी यहाँ पर देखोगे बाजार बंद होते ही कंपनी का बड़ा ऐलान, शेयर पर होगा सीधा असर भाई। IEX का शेयर सोमवार को आप लोग 0.36% की गिरावट के साथ 202.89 रुपये के भाव पर हमें जो अभी बंद होते हुए नज़र आया है, और 52 वीक हाई जो 208.76 है वहाँ से आप लोग पिछले वीक में लगे थे इसने वहाँ से थोड़ा बहुत डाउन ही है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आखिरकार क्या कुछ अपडेट्स, और इसने 47.99% के रिटर्न्स भी दिए हैं भाई। तो ये देखोगे अब यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि उसकी सब्सिडरी इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसने आप लोग देखोगे इंटरनेशनल ट्रैकिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन एंड एविडेंट EV लिमिटेड के साथ एक इश्यूअर एग्रीमेंट किया है। ठीक है, और ये कहा गया है कि इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज करार के बाद इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की लोकल इश्यूअर होगी। तो ये कंपनी की तरफ से खबर है। तो इसने एक जो ना भी आप लोग देखोगे एक इश्यूअर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, और ये हुआ है भाई इंटरनेशनल ट्रैकिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन एंड एविडेंट EV लिमिटेड के साथ। और इसका आगे चलकर आप लोग देखोगे और क्या बोला है कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में, कहा है कि यह एग्रीमेंट जो है वो IEX को भारतीय बाजार में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के लोकल इश्यूअर के रूप में कार्य करने के लिए ऑथराइज्ड करता है, और इस भूमिका के हिस्से के रूप में IEX एविडेंट ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज्ड रजिस्ट्री पर प्रोडक्शन फैसिलिटी को रजिस्टर करने और IRECS इशू करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये टोटल अपडेट्स भी, और इस अपडेट्स के बाद स्टॉक में हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर देखोगे वन डे टाइम फ्रेम, अगर मैं 2022 की बात करूँ यानी कि आज से 2 साल पहले की, तो ये शेयर आप लोगों ने ऊपर में 320 रुपये का हाई बनाते हुए नजर आया था। फिर वहाँ से जो स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिली थी वो आपके सामने भी बहुत बड़ा फॉल इस शेयर ने जो है अभी उस टाइम पर दिया था, और नीचे में आप लोग देखोगे 60 से 70% तक ये जो शेयर है वो 60-70% के करीब टूटा था भाई। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में फिर से अभी के टाइम जो रिकवरी है वो हमें देखने को मिली है, और ये रिकवरी कहाँ तक जाएगी भी, तो ये अभी के टाइम देखो यहाँ पर आ चुका है स्टॉक, नीचे के भाव से अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 78% उछल चुका है। तो यहाँ से इसके चांस रहेंगे फिर से 52 वीक हाई की तरफ जाने के, जो कि आप लोगों का पहला जो टारगेट रहेगा यहाँ से 250 का, और उसके बाद आप लोग देखोगे भी 300 के आसपास के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो ये टारगेट्स आप लोग देखोगे लगभग 48% के आसपास है, तो यहाँ से स्टॉक में 50% का मूव आ सकता है आने वाले 1 साल में। ठीक, तो आने वाले 1 साल यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इस शेयर को जो ना अभी होल्ड कर सकते हैं, और नीचे में सपोर्ट वगैरह क्या लेके चलेंगे चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है अभी के टाइम। ठीक है, एक अच्छी खासी रैली जो शेयर है वो हमें दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी इस तेज़ी को देखते हुए आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी रहेगी, सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो नीचे में ज़्यादा रिस्क न लेकर जिसको चलना है वो 184-185 के आसपास का सपोर्ट लेके चलेंगे, और ऊपर में जो शेयर आपको 250-300 वो लेवल दिखा सकता है भाई। इसके अलावा जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को कर सकते हो आप लोग सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।